सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल पे टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो आप सब देख सकते हो मैं सभी बजीज की जो सीड्स है वो चेंज करने के लिए सभी केजेस से मैंने उसका बोल निकल लिया है। अभी उसको मैं साफ करूँगी और न्यू सीड्स दूँगी। उसके बाद आज मैं सभी बजीज की प्रोग्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, तो उसके पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड उसके पास एक बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सो प्लीज़ ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सबसे ऊपर वाला केज। इसके अंदर आप देख सकते हो तीन बच्चे हैं, दो थोड़ा सा बड़ा है और एक एकदम ही छोटा, एक दो दिन का होगा। उसके बाद मिडिल से पार्टीशन किया हुआ है, ये देखिए। इस वाले पोर्शन में आप देख सकते हो इसके अंदर एक अंडे है। ये इसका पहली प्रोग्रेस है फ्रेंड्स, मैंने इसको न्यू पेयर लगाई थी तो इसमें से एक अंडे हुई है अभी अभी। और इसके अंदर देख सकते हो कुछ ही दिन पहले तीन बच्चे निकले थे, जो फिर से फीमेल जो है मट्टी के अंदर तीन या फिर चार अंडे हैं। इसको मैं हटाने की कोशिश कर रही थी, हट नहीं रही है। और मिडिल से फिर से एक पार्टीशन है, उसके पास फेलो एंड रेडाई की जो पेयर लगाई हुई है उसमें तीन अंडे है। और ये पिछले बार की एक बच्चे अभी भी उसी केज में है। और ये मेरे बच्चे की जो मेरे बजीज के बच्चे निकालते हैं उसकी वो पोर्शन है। उसकी ठीक ऊपर दो पोजीशन है। पहली पोजीशन में आपको दिखाती हूँ इसमें तीन अंडे हैं और दूसरे वाले पोजीशन में भी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें भी दो अंडे हैं। ये दोनों ही मटकी में जो अंडे देख रहे हो आप, ये दोनों ही फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं। सो अभी मैं दिखाऊंगी ये तीन मटकियाँ एक केज के अंदर मैंने जो रखी थी इसकी प्रोग्रेस। इसमें एक अंडे है, इसमें भी एक अंडे, ये शायद ख़राब हो गई है क्योंकि कुछ ही दिन पहले फिर से इन्होंने बच्चे निकाले थे। और इसमें भी दो बच्चे हैं, रेड आई के बच्चे हैं। इसका जो मेल है ब्लैक आई के है और फीमेल रेड आई के है, लेकिन इसके रेड आई के दो बच्चे हैं आप देख सकते हो। और अभी मैं दिखाऊंगी जो मैंने न्यू केजेस ली थे तीन, उसकी प्रोग्रेस। मुझे एक दो हफ्ते हुए होंगे मैंने न्यू केजेस में न्यू सेटअप लगाए हैं बजीज के। सो ये देखिए इसमें दो अंडे हैं। इसमें मैं होप कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इसमें से भी चिक्स निकल आए। और इसके अंदर मैं देखती हूँ एक सेकेंड, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी एक अंडे है शायद और कुछ भी नहीं है। ये इसका पहला ब्रीड है तो मुझे मालूम नहीं है इसमें से बच्चे निकाले भी निकलेंगे भी नहीं, मुझे मालूम नहीं उतना। एंड ये देख सकते हो ये वाली मटकी में एक रेड आई की बच्चे दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर और भी एक रेड आई की बच्चे हैं। इसकी जो मेल है वो रेड आई ब्लैक आई की है और इसका फीमेल जो है रेड आई की है। और इसका दोनों ही बच्चे रेड आई के निकले हैं। और अभी इस वाले पोर्शन में मैं दिखाती हूँ, इस वाले पोर्शन से अभी अभी बच्चे निकले हैं दो बच्चे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ ही दिन पहले, चार पाँच दिन पहले इसमें से बच्चे निकले थे, इसलिए मटकी में फिर से जा रहे हैं। आई होप सो कुछ ही दिनों में इसमें भी अंडे हो जाएंगे जल्दी से ही। उसके पास वाली जो मटकी है केज में, मैं वो दिखाती हूँ आपको एक सेकेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीन बच्चे हैं। ये दो रेड आई की मुझे लग रहे हैं लेकिन इसका मेल फीमेल दोनों ही ब्लैक आई की है। आई थिंक इसका ब्लड लाइन जो है उसका रेड आई की थी, इसलिए इसका बच्चा जो है रेड आई के निकले हैं। मैं इसके बारे में बाद में फिर से डिस्कस करूँगी अच्छी तरीके से, क्यों ब्लैक आई की क्यों रेड आई के बच्चे निकालते हैं। और इसमें चार अंडे आप देख सकते हो ये वाली मटकी में। और ये वाले मटकी में मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें भी दो बच्चे हैं। इसका मेल फीमेल दोनों ही ब्लैक आई का है इसलिए इसका ब्लैक आई का ही बच्चे निकलते हैं। लेकिन
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी